अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करना सो सारे ठीक हो सो। मैं इरफान जफर, सो तकीरो कश्मीर टीवी। जनाब जिस हद की पता हो सी के कश्मीर ने नवे वजीर आजम अब्दुल कयूम नियाजी साहब बन, जिन्हों ने ऐलान थोड़ी देर पहले होया है, उसने पर जनाब मैं चौधरी शकील जनाब जड़े सैकटरी इतलात एंड पी टी आई ने मीरपुर थू इन पूछना चाहना कि क्या इस फैसले तू खुश हैं, ठीक है, या कि खुश नहीं? अगर ये खुश नहीं तो कड़ी वजह तू नहीं तो तकने के ये क्या हने इस बारे जी शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बड़ी मेहरबानी सो जनाब फिर हाजिर हो तो जनाब आज जरा फैसला होया वै असा इस फैसले के बिल्कुल ना मनने असा जनाब अली कायद कश्मीर बिरसे सुल्तान महमूद चौधरी की वज़ीर आज़म तकना चाहते सर, लेकिन इमरान खान नियाजी साहब जरा ये फैसला किया सरासर रियासती है, खास करते ये बिरसे साहब ना नहीं असा मिर्पी ने रियासती है, असा मिर्पी ने बहुत बड़ी ज्यादती की है ना, असा इन्होंने ये फैसले इसकी ना मनने तो जनाब अली कायदे कश्मीर बिरसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब ना असा अगर भी ऐसा हूँ भी होसा, लेकिन असा इमरान खान की जनाब ना मनने, असा इमरान खान की पार्टी की ना मनने, इमरान खान जरा फैसला किया। तो जनाब ये दसो जरा बंदा अच्छ सिलेक्ट होया एज ए वजीर आजम, इसका बैकग्राउंड क्या है? मैं सुनिया कि इसकी ब्रिस्टर साहब आंदा पार्टी, इस हवाले न क्या सच्चाई? बिल्कुल जनाब, ब्रिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब इसकी ऑफर की सी कि पार्टी साड़ी तू आ, तो इस आख्या ठीक है, ये सरदार अतीक अहमद खान ना बंदा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ना, ये दो साल पहले जनाब पी टी आई शामिल होया सी, तो आज जनाब अली चाहिए इसकी वजीर आजम बनाया गया, बाकी तक ब्रिस्टर साहब हो गए, तनवीर इलियास हो गए, तो उस तो बाद अजहर सादक अंसर अब्दाली कोई चार पाँच बंदे सर इन्हें कि जनाब रोज़ इन्होंने इंटरव्यू कि गए, लेकिन उसने बावजूद पेपर और को देना रहा तो पर्चे जिन्हें दिते नहीं वो जनाब डायरेक्ट पास हुई थे वज़ीर आज़म बनी गए। कहने वही ना कोई कागज जमा ही नहीं कराए तो ये डायरेक्ट कुदरू त्री साइडू आई गई, ये डायरेक्ट त्री साइडू आए जनाब, जिस तरह बुजदार साहब की उन्हें चुकी तो आंदा, बुजदार साहब की उत्थू उन्हें चुकी तो आंदा सी कि जिते जनाब उन्होंने मकान बिजली भी नहीं सी, तो इमरान खान साहब जनाब सरासर ज्यादती की है असा कश्मीरियों नाल मिर्पियों नाल बहुत बड़ी ज्यादती है जनाब, असा इसकी ना मनने। तो जनाब जेड़े हूँ वजीर आजम साढ़े मुंतखिब हो क्या समझने के कोई कश्मीर वास्ते बेहतर साबित हो सन या के ब्रिस्टर साहब इन्हों तू ज्यादा बेहतर सन, कोई थोड़ा जहा बस तक तो जनाब उन्हें अल्लाह ही हाफज है इन्होंने, लेकिन ब्रिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जहर गल सीनियर सन तो वो असा सारे वास्ते बेहतर सन जनाब। अच्छा। तो बाकी जनाब ये है कि असं जरा फैसला ये मुस्तरद करने हैं तो कायदे कश्मीर बिरसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब असं जिथे आवाज कर सन असं उन्हें ना लं तो अगे भी ना सन तो हूँ इंशाल्लाह ताला ना रह सन इंशाल्लाह। तो कह रहे हो जनाब तुसा के ब्रिस्टर सुल्तान महमूद साहब इस फैसले ने बावजूद भी पी टी आई ने विच ही रह सन या के को पार्टी छोड़ने ने ऐ चांस या के रेसन विच सर? तो को ब्रिस्टर साहब पहले आखिया सी कि इमरान खान साहब जरा फैसला कर सर वो मिकी मंजूर है, ठीक है, उन्हें तो को अपना वादा वफा किया कि कम अज़ कम 15 से 20 सीटा जरियां वो ब्रिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने हक असेंबली जरियां। अगर ब्रिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब चाहे तो जनाब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत भी बनी सकनी सी, 15 वोट उन्हें किन्ने पीपल पार्टी आया तो 20 वोट इधरों बहुत है, 28 वोट चाहिए सर वज़ीर आज़म वास्ते, तो जनाब 35 वोट इन्होंने बनी जाने सर, तो फिर भी हुकूमत जनाब पीपल्स पार्टी ब्रिस्टर साहब बनाई सकने सर, लेकिन ब्रिस्टर साहब यह कम नहीं किया, उन्हें वादा वफा किया जिस तरह उन्हें पहले आख्या कि जो फैसला इमरान खान साहब कर सन मिगे वो मंजूर है। तो हूँ जनाब क्या कि ब्रिस्टर साहब अलका त्राया चू जीती गए सर, तो हूँ इन्हों को क्या अहदा हो सी इतना मीरपुर ने अंदर? हूँ फिलहाल तो सर अजय तो सदर आजाद कश्मीर ना वो भी अजय सिस्टम क्लीयर कौन हो कि कौन बन सी, तो अजय ये रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई कि ब्रिस्टर साहब ने क्या अहदा, तो क्या ये अगर इन्हें की ऑफर हुई ब्रिस्टर साहब की सदर आजाद कश्मीर तो क्या ये अहदा ना चाह सन या कि? ब्रिस्टर साहब बिल्कुल ये अहदा नहीं किन्ना जनाब। अच्छा। अगर ब्रिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की ये अहदा दिता जाना तो ये माड़े साहबै से बहुत गलत हो सी, मिर्पियों वास्ते ये भी नुकसान है अगर ब्रिस्टर साहब सदर आजाद कश्मीर बनने तो ये गलत हो जाती सिस्टम, लिहाजा तुसा इस फैसला जड़ा आज होया वह उसने नाल डिसएग्री हो इसकी फैसले की ना मनने और काफ़ी इस नाल तुसे तकलीफ हुई है? बिल्कुल जनाब डिसएग्री अस इस फैसले की ना मनने, तो एक मैं नहीं कि पूरी जरा ना कश्मीरी अवाम साड़ी मिरपुरी अवाम ना बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, कोई बंदा इस फैसले की तस्लीम नहीं करना। अच्छा, बहुत शुक्रिया जनाब मारना शकील साहब सन, मजीद कारकनान नाल जनाब मैं गल करना वा। जनाब मारना इसलिए मौजूद हैं वकास साहब, तो ये भी पी टी आई ने कारकन हैं और ब्रिस्टर सुल्तान महमूद साहब की हलका त्रै चु सपोर्ट करी रहे सन, तो इन्होंने को पुछने जरा अज इमरान खान साहब फैसला किया वै वजीर आजम आजाद कश्मीर ने, क्या इस फैसले तू ये खुश हैं या कि क्या चाहने सन जी जनाब? सब तो पहले जनाब मैं ये दसना चाहना कि इस करोना ने वबा ने दौर
लोग यूके तू लखा करोड़ा रुपया खर्च करी गए सिर्फ इस इलेक्शन वास्ते और लोगों ना सर्दी तक की है ना गर्मी तक की है तो ब्रिस्टर साहब नाल खलते रहे ठीक है कंधे नाल कंधा लाई के उन्हें बावजूद इतनी मेहनत 20 साल पहला ब्रिस्टर साहब वजीर आजम बनते सन तो हूँ 20 साल उन्हें से मेहनत करी 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 क्या इस मुकाम तक आए ठीक है वजीर आजम बनने तक तो बहुत बड़ी उन्होंने ज्यादती हुई है ना इंसाफी हुई है इमरान खान साहब उन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की है ये फैसला सही बिल्कुल नहीं मंजूर दुखी हो और आवाम ना इतना पैसा भी नुकसान किया गया आवाम ना इतना टाइम भी जाया किया गया और ब्रिस्टर साहब भी इतनी मेहनत की इलेक्शन वास्ते वजीर आजम बनने वास्ते लेकिन उन्हें की भी इंसाफ नहीं मिलिया कोई फायदा नहीं हासिल होया। चौधरी अकील साहब ते भी पीटीआई ने कारकुन और ब्रिस्टर सुल्तान महमूद साहब की सपोर्ट करी रहे सन ते नाल पूछने के क्या इमरान खान साहब जेड़ा आज फैसला किया इस नाले खुश हैं या के नहीं खुश ते जी जनाब सरकार जेड़ा इमरान खान साहब फैसला किया सरासर ज्यादती है ब्लिस्टर साहब नाल ब्लिस्टर साहब इतनी मेहनत की गर्मी सर्दी उन्होंने तकी आवाम नाल उन्होंने सारी दिहाड़ रात उन्होंने आवाम गुजारी है पर जड़े इमरान खान साहब हैं उन्होंने सरेआम ज्यादती की है ये पूरे मीपर नाल ज्यादती है ये ब्लिस्टर साहब नाल नहीं ज्यादती ये पूरे हूँ साढ़े शमीपर नहीं किसा कदर नहीं करनी है अगर जो कोई कदर करी सकने सन तो ब्लिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब सन जी सर बहुत शुक्रिया मेहरबानी।